Yeah, welcome back to Rush Hour with Jalal on you only on Radio Sursangam 94.7 FM Calgary. Or हम एक दो हफ्ते से बात कर रहे हैं कि हुमैरा चन्ना द मेलोडी क्वीन शी इज कमिंग टू कैलगरी. हमारे बुरान अपने बुरान खान एंड जी शमीला बुरान जी वो उनको लेके आ रहे हैं. और तकरीबन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि नाउ शी विल बी इन द स्टूडियो एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट वी आर लकी टू हैव अवर लाइव इन स्टूडियो. अगर आप फेसबुक हैं सो आई वॉन्ट यू टू गो ऑन फेसबुक on Radio Sursangam Facebook page और आप उनको लाइव देख सकेंगे. राइट नाउ शी इज जो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. हेलो हुमैरा जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बस ठीक है. एंड मैं वो पहली बात कर रहा था कि वन ऑफ माई ड्रीम विल कम ट्रू जब हम स्टूडियो में आएंगे. तो थैंक यू सो मच. आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया. अच्छा, ये पहली बार आप आएंगे कैलगरी के? क्या है? नहीं, कैलगरी सेकंड टाइम आई हूँ. अच्छा. और इत्तेफाक से फर्स्ट टाइम जो यहाँ आना हुआ था वो रीमा के साथ एक टूर किया था मैंने पूरा यूएसए और कनाडा. अच्छा, का अच्छा. और कैलगरी का जो शो था वो बुरहान भाई ने ही वो भी अच्छा, हमारा किया था. हाँ जी. अच्छा अच्छा. हमारे बुरहान भाई, यू नो वी लव हिम टू द डेथ. Exactly. इतने प्यारे हैं, बहुत, इतने बहुत. अभी आगे तो मुझे उनकी और भी तारीफ करनी पड़ेगी. अस्सलाम वालेकुम सर. कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए. बस ठीक है. यू नो हम अपना बात कर रहे थे कि मैं पहले बोला था आपके इंट्रो में बुरहान भाई कि आप कितने अच्छे, इतने प्यारे हैं. और यू नो जो है, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर. मैं तक 12 साल से शो कर रहा हूँ रेडियो पे. जी, जी, आपको जी. पता है बुरहान भाई अपना हुमैरा जी, मैं 12 साल से कर रहे हैं. जी जी. फ्रॉम डे वन ही इज वन ऑफ देम जिन्होंने सपोर्ट किया फ्रॉम द जब भी हमें कोई नहीं जानता था. सही. ये बुरहान भाई ने हमें जो इतनी इज्जत, बुरहान भाई के बारे में बिल्कुल ऐसा ही सुना हुआ है कि सपोर्ट करते हैं. तो ये कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें कनाडा में ऐसी शख्सियत से मिलवाया है और वो यहाँ मौजूद हैं. और हम बड़े लकी हैं कि हर हवाले से वो सबको सपोर्ट करें. सबको करें, बिल्कुल. इसलिए कल में हमारे जो दूसरे भाई का कल में जो है फेसबुक पोस्ट में उनका देख रहा था. अब सॉरी, आपका नाम? हाँ, वसीम अब्बास का. तो उन्होंने फेसबुक लाइव किया था जब भी आप आए थे. तो उन्होंने तो यही कह रहा था कि मुझे जिन्होंने सिखाया वो बुरहान भाई. जी, बिल्कुल ऐसे. और आज ऑफकोर्स जो हमें और मुझे जितना साथ बुरहान भाई ने दिया है माशाल्लाह, ऊपर वाले ने उनको बहुत दिया है. और इनको वसीला बनाए हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको ब्लेसिंग है. बुरहान भाई बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो यू नो अभी आप माशाल्लाह आप कैलगरी में कनाडा में आई हैं, तो सबसे पहले आपका सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा. और वसीम और मेरे साथ हमारे एक और तबला प्लेयर हैं बंटी, वो भी बंटी इस सफर में मेरे साथ रहे. तो और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हुए आए हैं इस सफर को. और इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करते हुए वापस जाएंगे पाकिस्तान. बहुत सारी यादें लेके जाएंगे. जी 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 जी. इसलिए हमको जो है निकले 30-35 सालों के बुरहान में भी काफी टाइम से इधर हैं. तो वी ऑलवेज वेट कि पाकिस्तान से कौन सा आर्टिस्ट आता है और हमें मौका मिले. पाकिस्तान में हम होते तो इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन बुरहान भाई की वजह से हमें यहाँ मौका मिला. बुरहान भाई ये बड़ी इनायत है. ये दोस्त आ जाते हैं इतने बड़े बड़े महान कलाकार और इतने अच्छे के जिनको यानी कि ना मिलने को तरसती है और है। हम आपके लिए यहाँ कैलगरी मिले. क्या बात है, क्या बात है. नहीं हम आपको जब भी बड़े हो रहे थे हमने आपको बहुत सुना है, पाकिस्तान टीवी में देखा है, रेडियो पे सुना है. तो आपका सफर यू नो अगर मैं आपको कहूँ कि यू नो मसला इतना लंबा सफर है आपका, तो आपको इतनी इज्जत दी अल्लाह ने दी है. हर कोई आपके साथ पिक्चर निकालना चाहता है, आपको टैग करना चाहता है, आपको इतना प्यार कर, कैसा फील होता है अंदर से, कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली. और मैं समझती हूँ ये लोगों की मोहब्बत है कि मैं आर्टिस्ट जो है ना वो मोहब्बत से और इन जो एनकरेज है लोग कर रहे होते हैं और प्यार दे रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं, उसी से वो सब सपोर्ट जो आर्टिस्ट को मिल रही होती है ना, ये वही सपोर्ट है. और घर से अच्छी सपोर्ट रहे तो मैं समझती हूँ वो सोने पे सुहागा हो जाता है. तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट की. मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने, मेरे सब बहन भाइयों ने. जब जहर में छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया था, जी, जी, जी. तो वो साथ आना और मेरे वालिद साहब, आप यकीन कीजिए कि उस वक्त इक्विपमेंट्स इतने ज्यादा नहीं होते थे अच्छे. तो मेरी वालदा और मेरे वालिद रात सही सही रात बैठे थे, एक रिकॉर्डिंग के लिए बैठे रहते थे कि जब तक वो सही हो. क्योंकि अब तो वो आता है एक एक क्लाइंट कर लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए, ट्यूनर्स लग जाते हैं वोकल्स में. उस वक्त तो ये सिस्टम नहीं होते थे. तो वो लोग बैठे, मैं उनको अब सोचती हूँ कि कितना उन लोगों की मेहनत है कि एक टैलेंट को उन्होंने आगे लाने के लिए सपोर्ट किया कि हमारा हमारे बच्चे में टैलेंट है तो हमने सामने लेके आना. तो उसके बगैर नहीं होता, सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं होता. यू नो हासिल हम देखते जो अपना बैक इन द डेज अपना ये कहते थे कि जो है लड़की को बाहर नहीं निकलना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए. लेकिन आपको माशा टीवी पे देखा, रेडियो पे देखा, आपको फैमिली सपोर्ट के बिना तो कोई. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सपोर्ट रही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये पेंडेमिक में आई थिंक इट वॉज
हम जो स्पेशल लाइव आर्टिस्ट के लिए लाइव स्पेशली जो है सोशल लाइक नॉट जो है सोशल मीडिया लेकिन जो है लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए तो बहुत एक तरह का एकदम बंद हो गया था दो साल। तो आपने क्या किया दो साल में, क्या ऐसा नया सीखा यू नो बिकॉज देर आर हमारे जो है हमारे बुरन भाई उन्होंने जो है खाना पकाना शुरू कर रहे थे बड़े बड़े अच्छे शेफ बन गए, तो आपने ऐसा क्या नया किया कि जो आपको जो आप पहले नहीं करती थी? नया कुछ ऐसा ज्यादा नहीं हुआ लेकिन ये हुआ कि मैं फैमिली के साथ टाइम बहुत स्पेंड किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मौका मिला और फिर उन लोगों की बड़ी ख्वाहिश रहती थी कि मैं आम दिनों में जाहिर मैं जब बिजी रहती तो खाना बनाने का जरा मैं टाइम कम होता था लेकिन बच्चों को उनकी पसंद की चीजें बहुत बहुत बना के दी। अब तो वो इतना वो शौक करते हैं कि नहीं अम्मा आप आज करेले गोश्त बना के खिलाएं आज पाए बना के खिलाएं, तो ये गाहे बगाहे ये रहा। और मैं समझती हूँ कि फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना है वो बहुत ही एक कम रहता है ऐसे माँ बाप को कि जो ट्रैवल में रहते हैं, मेरा बहुत ट्रैवलिंग में रहती हूँ तो मैं वो दिन मुझे इस हवाले से सही रहे। लेकिन ये है कि म्यूजिक के हवाले से ऑब्वियसली सब चीजें बंद हुई और बहुत ज्यादा पीछे रहा ये सिलसिला, तो बस मैं इन चीजों को बहुत महसूस करती हूँ कि आप अपनी फैमिली को टाइम जरूर दें, बहुत जरूरी है। आई थिंक ऊपर वाले की ये हम सबको पनिशमेंट मिली थी ये वाकई सही फरमाया आपने मेरा जी कि फैमिली को बहुत टाइम दिया तो उसके साथ यानी कि स्पाउस के एक दूसरे के अच्छे ताल्लुकात हो गए, बच्चों के साथ मिलके बैठना दोस्त जी बिल्कुल। तो आपने जो हुमरा जी का आपने शो भी किया था बीके लाइव पे जी फिर आपने इनको यहाँ ले आया, तो आप इनको कितने अच्छे से जानते हैं? मैंने इनका शो किया था बल्कि मुझे याद नहीं था ईयर 2001 में रीमा और जॉन रैम्बो और सऊद और बहुत सारे दोस्त थे जिसमें हमारा जी पहली दफा साहिबा तो ये यहाँ पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त से जानते हैं इनको और इनसे जो यानी कि टीवी पर मुलाकात होती रही है वो तो सिल्वर जुबली से ही अच्छा अब वो मेरा जी मैं वो बताऊं कई लोग कहते होंगे आपसे कि जी मैं तो बचपन से जानता हूँ, मैंने कहा नहीं बचपन से नहीं पचपन से जानता हूँ कि वो हमारा जी इतनी यंग यानी कि 16-17 साल की लड़की आ जाए तो हमारे से तो उम्र में छोटी थी उस वक्त भी बिल्कुल। और माशाल्लाह इन्होंने जब सिल्वर जुबली में मैडम नूरजहां के सामने उन्हीं का गाया हुआ गाना यानी कि जो ये री डूइंग जो जो यानी कि री ट्रैक जो गाए हैं शी इज द इन्वेंटर ऑफ दैट, तो इन्होंने वो जो मुंडिया सियालकोटिया जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो गाया। अच्छा तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत मैडम नूरजहां सामने बैठी है आगे नहीं काफी अच्छा वो बचपन था ना तो मैं बस जाहिर है उनका नाम तो बहुत इतना बड़ा नाम के क्या कमाल आर्टिस्ट थी वो, लेकिन वो सामने बहुत बहुत हंसमुख खातून थी तो और जाहिर है हम लोग तो छोटे थे ना तो वो बड़ा खुश होकर सुन रही थी और बड़ा और एक बात मुझे याद है उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब सी बात कही लेकिन मुझे आज वो याद आ गई आप सबको मैं शेयर करती हूँ बात। मैडम ने कहा कि बेटा रियाज जारी रखना है आपने, आपने रियाज नहीं छोड़ना है गाना नहीं छोड़ना है, हाँ अगर शादी हो जाती है बंदा छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ देना रियाज नहीं छोड़ना अच्छा आप इतनी छोटी कहेंगे रियाज कौन है सही मुझे अभी एकदम याद है आज तक मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया, अल्लाह की तरफ से आपके साथ मतलब शेयर कर रही हूँ फर्स्ट टाइम मुझे याद है। तो इतनी मजे की बात वहां भी इतना मतलब उनको उनके सामने ये चीज जो वो उनको क्योंकि मोहब्बत थी गाने से तो कहते मेरे तो नस नस में ना गाना दौड़ रहा है खून की जगह, मैं कहती हूँ क्या कमाल वो आर्टिस्ट ऐसा ही होता है कि उसको जो पूरा अपने अपने काम के साथ जो लगाव और जो जस्तुजो और जो लगन है ना वो ही इंसान को आगे लेके जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो यू नो हम जो है जो हम अपना जो है मैडम नूरजहां के सामने आपने गया अभी जो है करंट में माशा इतना सब चेंज हो गया है पूरा सोशल मीडिया आ गया है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, तो आप अपने आप को किस तरह अपडेट रखती है? बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। बिल्कुल बहुत जरूरी है। अच्छा कुछ तो ये चीजें ऐसी है कि नई नई चीजें रिकॉर्ड करने का मौका मिलता रहता है जिसमें मेरा जो स्टाइल है वो ऑब्वियसली जरा इतना जरा फास्ट सॉन्ग्स की तरफ नहीं रहा। अच्छा वो कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लोगों ने मुश्किल बहुत गवाया, मुझे बहुत मुश्किल गवाया, मुश्किल मुश्किल चीजें और हाई नोट्स पे मुझे मूवीज में भी ऐसे गाने मिले कि जिसमें बहुत ज्यादा मुर्कियां और जो बहुत ज्यादा कारकर्दगी जो दिखाने का मौका आर्टिस्ट को मिलता है ना वो मुझे बहुत इस तरह के गाने गाने को मिलते रहे। और वैसे गजलें मुझे बहुत पसंद है गाना, मैंने गजलें इन दिनों में रिकॉर्ड भी करवाई रिलीज भी हुई है और कुछ सराइकी सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बस सिलसिला चल रहा है। तो आपने कितनी लैंग्वेज में गाया है? मैंने हमारे जो पाकिस्तान
में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उसके अलावा एक बंगाली, मैंने साग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था ढाका जाके, तो वहाँ एक मौसीकार थे, वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे ना एक मूवी का सॉन्ग आपसे गवाना है और बंगाली में गवाना। तो वो मुझे तो जाहिर है उस लैंग्वेज की जरा भी नो हाउ नहीं थी, उन्होंने कहा कि मैं खुद प्रोनाउंस आपसे करवाऊंगा, आपकी आवाज में गवाना है मैंने। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं प्रोनाउंस सही करूंगी, पहली शर्त है कि मैं अल्फाज सही अदा हूँ, तो वाकई इतनी अच्छी वो अदायगी हुई। अनफॉर्चुनेटली वो सॉन्ग मेरे पास नहीं है, वो क्योंकि कैसेट्स होती थी जी, पहले तो उसमें रिकॉर्ड था, तो वो बहुत ही अच्छा गीत हुआ। उसके अलावा मैंने पंजाबी, सराइकी, सिंधी, पोटोहारी, बलोची, पख्तून, जितनी भी हमारे पश्तो जी और एक थरी जबान वहाँ बोली जाती है सिंध की साइड पे, राजस्थान में राजस्थानी जबानें होती, वो भी दो तीन स्टाइल की जबानें, ढाटी है, उस सब मैंने गाया, मुझे मौका मिला लैंग्वेजेस में गाने का। क्या बात। अच्छा मुझे जो एक जो है मेरा फ्रेंड का मैसेज आया था कि आपसे ये जो है सवाल जरूर पूछूं, आप जो है रिचा शर्मा के साथ आपने, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एवरीवन लव्ड इट, बहुत हसीन वो मैं समझती हूँ लम्हा थे कि जब वो प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया कि पाकिस्तान और इंडिया का ना, मतलब मैं समझती हूँ खैर सगाली और जो पीस अमन का जो एक भाईचारे का जो देना चाहिए ना सपोर्ट, बिल्कुल वो मुझे उस वक्त मिला, तो मैंने वो अचीव किया, मैंने उसको हासिल करने की कोशिश की। वह मोज़ेक में फेस्टिवल में परफॉर्म करने का मौका मिला था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आसमा आपा की, उन्होंने मुझे मौका दिया था। तो एक दिन मेरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान डे के हवाले से, सेकेंड डे जो रिचा जी की परफॉर्मेंस थी इंडिया के हवाले से। तो जो सेकंड डे था हम लोग एक ही होटल में रुके हुए थे, तो लॉबी में मुलाकात होती रही रिचा जी से, बहुत ही अच्छी वो खातून है, इतना अच्छा गाने और इतना नाम है उनका, लेकिन वो इतना मोहब्बत करते हैं म्यूजिक से, आर्टिस्ट से मोहब्बत करते हैं, तो ये वो मोहब्बत है कि जो मैं समझती हूँ कि जो बाउंड्रीज होती है ना उनको टच नहीं करती है, आर्टिस्ट टच नहीं करने देता, अच्छी मौसीकी टच नहीं करने देती। तो मुझे मौका मिला और मैंने उनके साथ फिर एक उन्होंने मैडम जी का ही गाना गाया और मैंने फिर लता जी का एक गाना गाया और दोनों मिलकर गाया था और इट वाज वेरी वंडरफुल। तो यू नो जब भी आप पाकिस्तान से बाहर निकलते स्पेशली यूएस अमेरिका में अपने या तो कनाडा में, तो आपको ऐसा जैसा लाइक जो है पाकिस्तान जैसा ऐसा फील होता है कि आप जैसे जो है दूसरे पाकिस्तान में आ गए, ऐसा फील होता है? जी कभी कभी होता है, क्योंकि यहाँ जहाँ पाकिस्तानी ज्यादा हो और कम्युनिटी ज्यादा होती है तो वहाँ बिल्कुल फील होता है कि हम अपने पाकिस्तान में आ गए, जो खास कर परफॉर्म जहाँ करने जाती हूँ तो ज़ाहिर है वो सब अपने लोग होते हैं जी, जी, तो बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। वरुण भाई 20 तारीख को आपका शो आ रहा है, वी आर वेटिंग, आप पूरी डिटेल्स बता दें। अच्छा 20 तारीख को देखें, तो पहले नंबर पर लिविंग लेजेंड हुमैरा जी और इन्होंने बड़ी मेहरबानी की, इन्होंने ओके किया और इन्होंने बुलाया, क्योंकि हमने जब बीके लाइव किया था तो हमने उसी दिन दावत दे दी थी, फिर बिहाइंड द सीन चल रहा था तो जब मौका मिला तो ये तशरीफ लाएं। अच्छा एक और मैं मजे की बात यहाँ पर शेयर करता चलूं, तो आपको पता जैसे कि यहाँ पर कैलगरी में हमारे आसिफ रजा मीर साहब हैं, तो मैडम का जब उन्होंने सुना तो मुझे उन्होंने कॉल किया, कह लेंगे कि हाउ इज इट गोइंग, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कह लेंगे इज देयर आई कुड डू बी एनी असिस्टेंस, मैंने कहा आसिफ भाई, कह लेंगे आई विल कम। तो अब आसिफ रजा मीर को कौन नहीं जानता, और जब दो लेजेंड इकट्ठे होंगे स्टेज के ऊपर, आसिफ भाई माशाल्लाह देखें आजकल वो गैंग्स ऑफ लंदन में परफॉर्म कर रहे हैं स्काई ओरिजिनल पे, और गैंग्स ऑफ लंदन जो है उनकी पाकिस्तानी परफॉर्मेंस देख, पहचान, तन्हाइयां और कौन कौन से ड्रामे, अंधेरा, उजाल, वो एक मोहब्बत सौ अफसाने, और फिर वो खुद भी हमारा जी के फैन है। तो जब मैंने उनसे उन्होंने खास तौर पर कहा, कहने का इस दिन आई कुड बी एनी असिस्टेंस, मैंने कहा नेकी और पूछ कहेंगे, मैंने कहा आप आ जाए और आके हमारी भी हौसला अफजाई होगी, कहेंगे बिल्कुल इट विल बी वंडरफुल टू शेयर दैट स्टेज विद हर। और वो तशरीफ ला रहे हैं वहां पे, थोड़ी देर के लिए आएंगे, बातचीत करेंगे महाराज जी से, गपशप करेंगे, और यानी कि एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो कि हॉलीवुड में अब चले गए हैं, और आहद रजा मीर के वालिद साहब देखे ना माशाल्लाह, तो वो भी होंगे, और एक आज आपके प्रोग्राम के थोड़ा गिफ्ट लेकर आए आपके लिए जी सर, हसन नवाब साहब ने हलीम प्रोवाइड कर रहे हैं सब लोगों को, तमाम ऑडियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट, के उन्होंने कहा कि जी माशाल्लाह ये आई है मेरी बहन, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं हलीम ना दूं, तो हलीम भी होगा वहां पर, सो इट इज, तो खाली पेट आए, टिकट लें और इंजॉय विद हलीम,
मेरा जी का गाना होगा और आसिफ रजा मीर साहब से मीठी मीठी बातें होंगी और एक यानी कि ना एक तीर में तीन शिकार होंगे। क्या बात है, ठीक है। और हसन भाई इज वेरी काइंड, तो उन्होंने ये ऑफर दी है। और बाकी हमारे म्यूजिशियन जो हैं, बंटी भाई हमारे साथ बैठे हैं और जमाल राजा होंगे वहां पर, हारमोनियम पे भी इनका संगत देंगे और कुछ सुनाएंगे भी। और उसके अलावा असद खान साहब आ रहे हैं, असद टोरंटो से कीबोर्ड प्लेयर आ रहे हैं, हमारे गिटारिस्ट यहाँ से होंगे। तो इंशाल्लाह बड़ा भरा प्रोग्राम होगा। और हैं जी ऑक्टोपैड इज ऑल्सो उसमें यहाँ पर हो रहा है, तो उसमें ये के ये लाइव परफॉर्मेंस होगी। आप लोग जैसे देखते हैं कि बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, बड़े सभी अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, मगर ये आपको लाइव सुना जाएगा, लाइव म्यूजिक होगा और आपकी रूह को छुएगा इंशाल्लाह ताला। तो इतने मुश्किल इन्होंने काम किए हैं और इस कम उम्र में और उसको मेंटेन रखा है। देखें, ये वाहिद गुलकारा हैं जिनको 6 निगार अवार्ड मिले और पाकिस्तान का कौन सा अवार्ड है जो नहीं मिला, मगर ये कि क्योंकि ये हमेशा गाती, बड़ा चॉइस इनकी जो है बड़ी अच्छी होती है और जो भी गाया परफेक्ट गाया, कभी झोल नहीं है, कोई चीज नहीं, चाहे लाइव गाया चाहे रिकॉर्डेड किया या प्लेबैक। तो ये कैलगरियन के लिए एक ट्रीट है, तो आप लोग तशरीफ लाए और इसीलिए हमने टिकट प्राइस बहुत कम रखी है, बहुत रीजनेबल। गेट पर अवेलेबल होंगे टिकट, आप आ जाइए, वी स्टिल हैव सम सीट्स अवेलेबल। मेरा नंबर है 4035105612 या शमीला जी को कॉल कर सकती है 5879696411। बेसिकली मैं तो वो कहते हैं ना बिचौलियां हूं ना, वो तो वो असल काम कर तो वो रही है। उन्होंने कहा कि तुमने ये प्रोग्राम कामयाब करना, मैंने कहा जी मैं आ तो इंशाल्लाह। और ये हुमैरा जी की नवाजिश है और हस्बैंड भी यहाँ पे तशरीफ लाए, मकसूद भाई पट्टी साहब। और वो कहते ना कि सारे फिसाद की जड़ एक चीज होती है, वो है वसीम अब्बास। तो इसी की कोशिश होती है ये हमेशा, माशाल्लाह मुझे भी पुश करते हैं और सबको, हमारे यानी कि ना बैकबोन है। तो ये डिटेल है, आप आइए वहां पर। दिस इज वन ऑफ द लाइफ रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसमें कि दो लेजेंड इकट्ठे हो रहे हैं, बिल्कुल, और भूखे पेट नहीं आप जाएंगे। यस, हलीम होगी, हलीम हलीम होगी, जी जी जी। और यू नो, आपको जैसे पता है बुरहान भाई, ये जो मेरा नया शो है राशा और इजाजत, अभी दो महीने में शुरू हुआ है। जी जी। तो फिर हमने जो थीम चेंज किया पिछले दो हफ्ते से, और वेनिसडे को वी गोना हैव अ वन ऑन वन। जी। तो मैंने दो हफ्ते वेट किया पहले आप आज, इसलिए मुझे बुरहान ने कहा था कि मैं उनको लेके आऊंगा। हम आज का आगज हमारा वेनिसडे थीम का, वो आप ही से आगज हो रहा है हमारा। जी सही, माशाल्लाह, दिस इज सच एन ऑनर फॉर मी एंड फॉर आवर टीम। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप बस इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहे, हमारी दुआएं आपकी सलामत रहिए। जी जी। और एक और बात है, खैर बुरहान भाई को पता है, मेरा एक जो दूसरा शो है कॉफी विद जलाल, बुरहान भाई उस पे आ चुके हैं, वो अपना जो वर्चुअली शो होता है वीकेंड पे, उसके एक बड़ा अच्छा कॉफी मग हम रखते हैं। और ये बहुत डिमांड है, बुरहान भाई को पता है ये, मैंने जबरदस्ती लिया मतलब काफी बाजू मरोड़ के, मैंने कहा यार सारी दुनिया बड़ी शो मारती है ये रखती है ना कि कॉफी विद जलाल, तो मुझे भी दे, तो मेरे पास भी है ये मैं खोल देता हूँ प्लीज, अगर आप इसकी जो बता दें आती है, वेरी नाइस ऑफ अस। ये लीजिए जी, ये लीजिए, हियर वी गो, मेरा चन्ना गॉट हर ओन कॉफी विद जलाल मार्केट, व्हाट एन ऑनर फॉर मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हुमैरा जी, यू नो, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा पूरे इतने सालों से, कौन आपको धक्के दे रहा, यू नो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मलका तरन्नुम नूरजहान और महनाज बाजी, बहुत और क्या क्या नाम लो, फरीदा खानम जी, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, ये नगीने हैं हमारे पाकिस्तान मौसीकी के हवाले से। तो बिल्कुल ये सब मेरे पसंद रही हैं और इनसे ही देख के बहुत कुछ सीखने को मिला। अब देखिए, अच्छा गाना सुन के इंसान ना कोशिश करता है कि कुछ अच्छा करने की, और वो हो जाता है। सही बात है, मेहनत करना जरूरी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, अपने म्यूजिक इंडस्ट्री, तो उसमें क्या अच्छा अपडेट्स चल रही है? ऑफ कोर्स अभी तो सोशल मीडिया इतना बढ़ गया, हम देखते रहते हैं जी, जी, वहाँ पे पाकिस्तान के शोज आते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या आपको देख रहे हैं कि अपना फ्यूचर ब्राइट लग रहा है? हमारा हमेशा होगा ब्राइट ही होगा, बिल्कुल अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और जो आजकल म्यूजिक चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, जो यंगस्टर्स हैं वो अपना म्यूजिक खुद करते हैं, उन्हें पता है कि किस तरह उन्होंने अपने आपको लेके चलना है, तो बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश होती हूँ कि एटलीस्ट वो चीज तो है ना कि जो बंदा खुद कर सकता है और जो खुद करना चाहता है, तो वो आजकल बच्चे खुद बड़ा अच्छा बना रहे हैं म्यूजिक, और बहुत अच्छा। और मैं समझती हूँ कि यंग जनरेशन में उन्होंने अपने आप को जिस तरह लेके आए हैं और जिस तरह वो मकबूल हैं,
ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं. इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो खुद से वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. हम जो लाइव है राइट नाउ जो जो कि रेडियो सुर संगम के फेज पे, हमें जो शेमिकारा सोनिया बॉब चकलिन, देयर आर सो मेनी पीपल आर वॉचिंग. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन 94.7 FM. तो आपका इंशाल्लाह जो शो है दो दिन में आ रहे हैं, जी तो उसमें लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे? मेरा ख्याल है कि अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो यादें इंशाल्लाह जरूर होंगी पुराने गाने. जी बिल्कुल, वो मैं सिल्वर जुबली से स्टार्ट करूंगी. अरे वाह, तो आई एम और लंबा सफर, लंबा सफर. यस यस, और हल्ला गुल्ला होगा. ये नहीं कि स्लो सॉन्ग्स की जो तादाद होगी, मैं कोशिश करूंगी कि इतने ज्यादा स्लो सॉन्ग्स ना करूं, लेकिन वो जो अच्छा गाना है ना, कोशिश करूंगी कि मैं अपने लिसनर्स तक पहुंचाऊं. हमारा जी के लिए मशहूर है कि ये जब जी चाहा रुला दिया, जब जी चाहा हंसा दिया, जब जी चाहा बिठा दिया, जब जी चाहा नचा दिया. तो ये सारी चीजें वहां पर होंगी कि आप भंगड़ा भी डालेंगे, आप इंजॉय भी करेंगे, आप बड़ा ही यानी कि उसके अंदर ये एक डिफरेंट कलरफुल प्रोग्राम होगा और उसमें आप हर तरह का रंग देखेंगे. और ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं. अगर मैं यहां पर कहता चलूं आपकी इजाजत से कि इंडो पाक में खवातीन में अगर क्लासिकल में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मगर जो क्लासिकल में अगर आजकल कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो उमेरा जी हैं. बड़े बड़े लोग गुजर चुके गए हैं, मगर ये कुछ जो है वो बुजुर्ग हो गए, वो ज्यादा नहीं गा रहे, मगर ये कि इन्होंने वो जो टॉर्च है उसको लेकर ये आगे बढ़ रही हैं क्लासिकल की. और कोई झोल नहीं, कोई चीज नहीं, आपको मजा आएगा. भंगड़ा होगा तो आप खड़े होकर भंगड़ा डालेंगे, गजल होगी तो आपको वो सोचने पर मजबूर करेगी, गीत होगा तो वो आपको रोमांस में ले जाएगी. तो ये सारी चीजें जो है उमेरा जी ने गुलदस्ता बनाया कैलगरी के लिए और वो आपको पेश करने के लिए जा रही हैं. नेक्स्ट फ्राइडे को 7 बजे आ जाइएगा. डोर पर टिकट अवेलेबल हैं, इंशाल्लाह ताला जितनी जल्दी आएंगे उतनी अच्छी सीटें मिलेंगी. और फिर जाहिर है खाना भी है, तो खाने के बाद हम शो शुरू करेंगे. हलीम तो खाएंगे, हलीम देखिए इसीलिए. और हलीम दो टाइप का बन रहा है, बीफ भी और चिकन भी. क्योंकि कुछ लोग वेजिटेरियन वो बीफ नहीं खाते, तो हसन भाई ने वेरी जेनरस, तो हर बंदे को मिलेगा हलीम. आए आप और देखें कैसा अल्लाह ताला सबब बना देता है कि आसिफ भाई ने भी खुद मुझे कहा कि यार इस देयर एनीथिंग आई कैन असिस्ट. मैंने कहा पकड़ो आ जाओ. तो वो आसिफ ऑनर की बात है हमारे लिए कि वो आपके फैन भी हैं. अल्लाह उनको खुश रखे और हम खुद सब उनके बहुत फैन हैं. और इतनी बड़ी शख्सियत हैं वो, और मुझे मैं बड़ी बहुत ऑनर फील कर रही. अच्छा ये नहीं कहना हम उनके बचपन के फैन हैं. मैं और आप तो नहीं खास तौर पे कह सकते, हाँ कहेंगे हम उनके साथ कहीं हैं. थैंक यू सो मच फॉर जो हमारे स्टूडियो में आने का. शुक्रिया. वी आर लुकिंग वेट फॉर अपना वेटिंग फॉर द जो मे 20th शो. बहुत अच्छा होगा. अगर आपने टिकट नहीं लिए तो आप किसका वेट करें? प्लीज जस्ट कम एट द डोर. आप जो टिकट ले सकते हैं एट द मैग्नोलिया हॉल. और बुरान भाई का नंबर है 4035105612 या शमीला को जो कि इस प्रोग्राम की मेन प्रमोटर हैं, अक्रॉस कनाडा भी हैं, तो उनका नंबर है 5879696411 5879696411. और मुझे तो आप कहीं भी कैलगरी की सड़क में पकड़ सकते हैं. yes. और वहां पर डोर पर आ जाइए. डेबिट क्रेडिट हर चीज एक्सेप्ट. वेरी नाइस तो इंशाल्लाह मैं भी आपको वहीं मिलूंगा. ऑफकोर्स पूरा कैलगरी वहीं होगा एंड होपफुली यू वोंट मिस दिस शो. और अभी जो नेक्स्ट होगा 8 से 9 हमारे जो रंजीत सिद्धू एंड बल्तेज पन्नू साहब जो है प्रोग्राम लिखेंगे और आपको पूरी इंडिया के पंजाब की न्यूज देंगे. थैंक यू सो मच बुरान भाई एंड आपकी पूरी टीम को, वसीम भाई, एवरीवन, बंटी जी, एवरीवन. थैंक यू सो मच यहाँ पे मौजूद. हाँ भाई पिक्चर्स लेंगे विच आई विल पोस्ट ऑन सोशल मीडिया टुमारो. लेकिन मिलेंगे इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह फ्राइडे को. जब तक आप ये जो हुमेरा जी का ये गाना जो है आप इंजॉय कीजिए. और शो आज का फिर उसी पर खत्म होगा. और फिर इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट मंडे को 5 से 6 विद द हिट्स ऑफ 90s only on Rush Hour and Radio Sur Sangam 94.7 FM.